छोटू मोटू चुनू मनु 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 ये भी रेडी हो गया है अब किंजा पे ऊपर है, चलो चलते हैं तो हम भी। जोहान आ गया है आगरा से और आपको मैं बता दूं कितना टाइम हो रहा है, बताऊंगी नहीं दिखाती हूँ। और इनकी मस्ती है ना अभी तक चल रही है और एक ये रहा, मतलब छुटको इसको भी देखो, इसको भी नींद नहीं आ रही है। देखिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कितना टाइम हो रहा है, 1:16 हो रही है, यानी कि आधी रात की 1:16, मतलब आप ये देख लो इनके नाम की नींद नहीं है, ये हमें भी नहीं सोने दे रहे हैं। अभी सुबह तो सो जाएंगे 11 बजे तक दोनों, नहीं लग जाएगी राहिब के, लग जाएगा बेटे, लग जाएगा, रख जाएगा, रख जाएगा। राहिब आपको भी नींद नहीं आ रही बेटे, ये भी देखो कितना मस्त हो रहा है ना, लग जाएगा। और देखिए माशाल्लाह राहिब क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया है हल्का हल्का, चलाना नहीं, चलाना नहीं, लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप खैरियत से होंगे। और आपका वेलकम फिर से हमारे बिंदास सफर में। और किंजा को आप देख रहे होंगे कि ये कर रही है तैयारी, तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक दिन या दूसरा दिन जो भी कोई डे रहेगा तो वो किंजा का हम फुल डे बनाएंगे। और तो आज वो दिन किंजा का आ ही गया है माशाल्लाह। और जोहान भी हमारे साथ है, जोहान हाय कर दो। तो जोहान भी हमारे साथ है, तो आज हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो आज का फुल डे किंजा का है, देखते हैं क्या क्या करते हैं आज पूरे दिन। तो नमस्ते बेटे, आ जाओ। तो ये आ गए हैं किंजा के फ्रेंड्स। नमस्ते बेटे। आजकल शहरों में जगह जगह पानी भरा हुआ है और यानी मेरी पूरी कार के टायर जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे ना सामने जो गाड़ी जा रही है इसके सारे टायर पानी में जा रहे हैं। सुनो गिर जाओगे बेटे संभल के। इधर से चलते ना, चलो एक बार टिकट दिखा ले बेटे, रुको वेट करो टिकट दिखा ले। किंजा पे ऊपर है, चलो चलते तो हम भी चले। ओके, किंजा और उसके फ्रेंड्स एक जगह बैठा दिए हैं और मेरा टिकट रह गया तो मैं अपना टिकट लेकर आई हूँ। तो जोहान और मैं आराम से बैठे हैं यहाँ मूवी देख रहे हैं। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे साइलेंट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो जोहान आज मेरे पास एकदम रिलैक्स होकर मूवी देख रहा है। मूवी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, मूवी का नाम है बारबी। और बस इसी टाइप की बच्चों की ही मूवी है, मुझे नहीं मालूम कि किस टाइप की मुझे अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। और जोहान देखो कितने आराम से बैठा है यहाँ पर मूवी देख रहा है। जुन्नू आप आओ तो सही मेरे साथ, जुन्नू दूर से बोलो क्या खाना है, बर्गर खाना है। मतलब जब से हम मूवी देखने के लिए बैठे ना इतने मेरा नाक में दम करके रखा हुआ, मम्मा बर्गर खाना ना, अभी बुला। हाँ इसको मैं बर्गर दिलाने के लिए कि बर्गर खाएगा, बर्गर खाओगे ना, बर्गर खाना है आपको बर्गर। नहीं 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 नो सुनिए गंदी बात है ना, नो 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 कोल्ड्रिंक भी लेना है, पिज्जा भी खाना है। एक्चुअली देखिए जब से हमने मूवी देखने के लिए बैठे तभी से तो हमने बस मुझे या तो अप्पी के पास जाना है, अप्पी अपने ग्रुप के साथ बैठी फ्रेंड्स के साथ, तो हम दोनों बैठ गए थे अलग। और या तो आइसक्रीम खानी है या फिर खाना बर्गर, तो आइसक्रीम में जलाने आई हूँ क्योंकि इसी की वजह से थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और बस मम्मा बर्गर खाना, मैंने बेटा बस 10 मिनट 10 मिनट
बर्गर अभी हमने ऑर्डर तो कर दिया लेकिन अभी आया नहीं हमारा ऑर्डर, तो बस थोड़ी देर में ऑर्डर आएगा, हम चलते हैं ऑर्डर में ना, हम चलो हम बारबी देखने चलते हैं। और मूवी भी कौन सी बच्चे देखना है, बारबी। तो बर्गर का ना बर्गर वो दीदी खड़ी बैठी है ना वो पीछे, वो दीदी वो लेकर आएगी है ना। चले हम चलते हैं इतना, ओके चलो ओके। मूवी आधी से ज़्यादा हो गई है लेकिन अभी भी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। फाइनली फ्रेंड्स मूवी हमने देख लिया और बस अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ से जाने के बाद फिर हमारा दूसरा प्लान है, बाकी सब लोग घर पर वेट कर रहे हैं और चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं और इधर हमारा राहिब छोटू मोटू चुनू मुनू 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 ये भी रेडी हो गया है, अब हम लोग कहीं जा रहे हैं। और देखिए पता नहीं क्या चलता है, ज़ॉम्बी का ये एक सीरीज है जो मेरे घर में कम से कम दूसरी बार तो देखी जा रही है और ये 8-10 दिन से कंटिन्यू चल रही है, पता नहीं कितने एपिसोड हैं। कभी कभी तो ये अच्छी लगती है, कभी कभी तो इनके खतरनाक मूवमेंट देख के ना बस अजीब व गरीब होने लगता है। और ये मुझे कितना ध्यान से देख रहा है, बेबी मेरे बब्बू है, मेरे चुन्नू मुन्नू मुन्नू है, मेरे चुन्नू में तो टीथ आ गए मेरे बाबू के। बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, लग रहे हैं तो देखो आपकी टी शर्ट भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छे लग रहा है। तो फाइनली जोहान ने भी ये घर वापस आने के बाद चेंज कर लिया है, ये भी अच्छा है, सब अच्छा है, मेरे जुन्नू का अच्छा, मेरे जुन्नू का सब अच्छा है। हाँ फाइनली फ्रेंड्स हम लोग घर से निकल गए हैं और टाइम हो रहा है लगभग 4:30 के आसपास और मौसम फिर आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, घटा चारों तरफ छाई हुई है, आपको मेरे ब्लॉग में हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। और फ्रेंड्स प्लान बनाया था नोएडा या फिर गुड़गांव जाएंगे, तो फिलहाल देखते हैं कि कहाँ जाना होता है। हमने ले लिया है अंडरपास और अंडरपास में कितना पानी भरा हुआ है और अंडरपास देखे देखे फ्रेंड्स आप आइडिया लगा लें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें रास्ते से वापस आना पड़ा। रेहान का फ़ोन आ गया, कहने लगे कि आजकल गुड़गांव और नोएडा के जितने भी मॉल हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड है तो आप वहाँ नहीं जा सकते हो। फाइनली हम वापस वहीं आ गए जहाँ हमने मूवी देखी थी, अपने ग्रेटर नोएडा वापस आ गए और यही प्लान किया है कि अब यहीं घूमेंगे, बच्चों को घुमाएंगे। बब्बू बड़ा सीरियस है ना राहिब, बेटे इतने सीरियस क्यों हो, क्यों क्या बात है इतने सीरियस हो, चलो सुन बैठेंगे ट्रेन में आए जा बाय। अच्छा नहीं मयूरी भैया हमारे बेटे का सिल दो, हमारा इतना सीरियस बंदा है, आप ले लो ले लो। किंजा अपना स्पेशल डे की खुशी में खाना ही नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, उसे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो हम चाहते हैं KFC और KFC जाने के बाद पहले किंजा को कुछ खिलाते हैं और हम भी थोड़ा सा कुछ खाते हैं, उसके बाद फ्रेंड फिर आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमेशा छोटे बच्चे के साथ खाना बहुत मुश्किल होता है और ये आप देखिए कैसे झपट्टे मारते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो फाइनली मैं अपनी सॉफ्ट ड्रिंक अपने साथ ले आई हूँ, मैं चलते चलते पी लूँगी, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए बोटिंग करने के लिए। जोहान को बोट में बिठाने के लिए भैया ने हैंड पकड़ लिया, बस जोहान अब डर गया, अब नहीं बैठेगा। तो फाइनली हमारी जो राइड है अब शुरू होने वाली है। Please
फाइनली फ्रेंड्स हमारी बोटिंग हो गई है और बहुत ही खूबसूरत हमारी बोटिंग रही। और जो बेचारा ये बोटिंग करने वाला था इसकी तो जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसकी सिंगिंग भी इतनी खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स कभी भी आपको बोटिंग करनी हो तो आप ग्रेटर नोएडा वेनिस मॉल आ सकते हैं। 400 रुपये पर हेड टिकट है, सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे 300 पर हेड टिकट है। तो फाइनली हमारी जो बोटिंग है वो हो गई है। लास्ट में हम बच्चों को लेकर आ गए हैं मस्ती जोन, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तक बच्चे वहाँ ना जाएं तो बच्चे कैसे खुश हो सकते हैं। और राहिब को हमने यहाँ राइड करने के लिए सुहान के साथ बिठा दिया तो ये रोना शुरू हो गया इसका। आयजा और जोहान दोनों मिलके एक साथ खूब अच्छे से खेलते हैं, लेकिन आज पता नहीं जोहान को क्या हो गया, जब आयजा आ जाती है एकदम वहाँ से उस राइड से उतर जाएगा और चला जाएगा। तो बच्चों ने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती। फाइनली जब बच्चों ने खूब मस्ती की और अच्छे से एंजॉय किया उसके बाद आ गए हम लोग 7D। तो यहाँ हमने सोचा हम अपने लिए कुछ करते हैं, तो बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं हमारे नन्हे मुन्ने उनको हमने बाहर छोड़ दिया है और बस हम बैठ गए हैं यहाँ पे 7D में। लेकिन आज सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्या रहा आज है नी, सारी जितनी भी वीडियोज़ चलाई थी वो सब हॉरर थी और मुझे हॉरर से इतना डर लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने जो अपने गॉगल्स पहने हुए थे वो सब उतार दिए थे और आंखें भी बंद कर ली थी कभी कभी। तो भाई मुझे आज बहुत ज़्यादा डर लगा, मुझे नहीं मालूम था कि आज हॉरर सीन चलेंगे इसमें। पता क्या चल रहा था, बच्चे तो मज़े से देख रहे थे, यहाँ हालत ऐसी थी कि गुड़िया की मेरे से ज़्यादा हालत ख़राब और मेरी गुड़िया से ज़्यादा हालत ख़राब। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, हम दोनों थोड़ी टॉर्च जला लेते हैं मोबाइल की और थोड़ा उजाला सा हो जाएगा। लेकिन फिर पड़ोसी जो होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर फाइनली हमें जो है लाइट फिर से बंद करनी पड़ी। 7D से निकलने के बाद जो बच्चों की डिमांड है वो फिर बढ़ने लगी, उन्होंने इतना परेशान कर दिया। अब उनको इसमें भी जाना था, मैं चलो एक घंटा इसमें भी टाइम पास करो। तो आयजा इसमें आ गई, पता नहीं जोहान को क्या हुआ, जहाँ आयजा जा रही थी वहाँ जोहान ही जा रहा था। तो फाइनली जोहान आ गया ट्रम्पोलिन में, तो यहाँ किंजा और जोहान ने बहुत ज़्यादा मस्ती की। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें छोटे बच्चे अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन बड़े मुश्किल के साथ, क्योंकि ज़िद्दी बच्चे हैं, आप जानते हैं हमारे जो बच्चे हैं स्पेशल बच्चे हैं, तो इनको जाना बहुत ज़रूरी था। और फाइनली लास्ट में आयजा भी आ गई, तो अब आयजा आ गई है तो अब जोहान ने भागना शुरू कर दिया, तो वो अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन अब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा इनको, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और किंजा इनको पकड़ते पकड़ते इतना परेशान हो गई, कितने भी बुलाओ ये आ ही नहीं रहे हैं। और एक किंजा आयजा को लाती है तो जोहान भाग जाता है, जोहान को लाती है तो आयजा भाग जाती है। मतलब बच्चों को ये इतना पसंद आया बहुत ही ज़्यादा, और हमेशा का इनका यही होता है। ये वाला कैंडी दिलाया पापा ने। लास्ट में जब मौका मिला 9:30 बज गए थे। देखिए फ्रेंड्स हम आ गए रेस्टोरेंट, क्योंकि हमें यहीं पे खाना खाने के लिए नोएडा से वापस यूटर्न लेकर आना पड़ा। तो फाइनली हम आ गए नज़ीर, ये हम सबका फेवरेट है, हमेशा आते हैं। और सही बात बताओ ये मेरी फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, और ये रहाना ना हमेशा नोएडा से यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए, कह रही मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फाइनली चलिए फ्रेंड्स हम लोग खाना खा लेते हैं।
फाइनली फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सारा दिन हमने किंजा की वजह से पूरा बाहर बिताया और सारा टाइम हमने इसके साथ स्पेंड किया। और एक चीज और दिखाती हूँ, हमने है नहीं मॉल से कैंडी खरीदी थी जोहान के लिए, और आते ही ये देख लीजिए, आते ही घर आते ही सबसे पहले इसने अपनी कैंडी खोली और खाने के लिए बैठ गया। मतलब इसने मॉल में है नहीं अपने हाथ में रखी थी सारी कैंडी, तो जितने भी कैंडीज थी ना हमने सारी मिक्स करा दी थी, कोई चॉकलेट से खट्टी मीठी है तो काफी टेस्टी तो लगती है, तो ये सारी कैंडी हमने मिक्स करा ली थी और माशाल्लाह इसको ज्यादा पसंद है। कभी कभी खाता, कभी कभी मिजाज इसका चेंज होता रहता है। तो फ्रेंड फाइनली पूरा दिन जैसे हमने इसके साथ बताया वो हमने सब कुछ आपके साथ शेयर किया, और अब बज चुके हैं 11 फाइनली, बस हम अभी आके घर ही रुके हैं, और दूध हमारा चौथा गार्ड के पास नीचे रखा हुआ था, दूध भी अभी लेकर आए, बस वो बॉइल करना है और अब करना है चेंज। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ, और अगर देखिए फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको मेरे